मछली पकड़ेंगे, मछली पकड़ने का सीन बनाते हैं, बाव बनाओ, वही खाएंगे सुबह नाश्ते। चलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस आज सीन ऐसा है कि हम लोग जा रहे हैं पिकनिक पे, और कहाँ जा रहे हैं ये तो मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मेरे पास कॉल आई बस दोस्तों की, शेरी वगैरह और भी लड़के हैं, दोस्त यार सारे ना रेडी वहाँ पे बैठे हैं, मुझे कह रहे हैं बस जल्दी से रेडी वेडी होके आ जा, तैयार होके। तो मैं रेडी क्या, बस मैंने टी शर्ट डाली, ये शॉर्ट्स मैंने पहना हुआ है, और इबाद जो है इबाद को हम नहीं लेके जा रहे, तो इसकी रोने वाली शक्ल बनी हुई है। हाँ भाई क्या सीन है, चलेंगे ना अगले हफ्ते, चलेंगे अगले हफ्ते चलेंगे ना। इधर तो देखो कैमरा में, तो देखो इधर, तो देखो इधर। तो भाई ये नाराज़ हुआ हमसे, और हम जा रहे हैं पिकनिक पे, लेकिन पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं अभी तक। मुझे जाऊँगा तो देखूँगा क्या, मुझे लग रहा फार्म वार्म का ही सीन होगा कोई। और अशर भाई यहाँ पे टिकटॉक चला रहे हैं, देखें इनका और कोई काम ही नहीं है ना, मतलब टिकटॉकर होगा तो यही काम होता है, टिकटॉक हर वक्त टिकटॉक ही। तो बस मिलते हैं फिर आगे, अभी यहाँ से मैं निकल रहा हूँ, आगे आपको दिखाऊँगा, यहाँ से जा रहा हूँ आगे। तो भाई यहाँ पहुँच चुके हैं हम, इधर भाई देखो ये बंदर बैग में देखो क्या क्या लाया, निकालो मामा इसमें डाल लो यार, खैर है। तो भाई अभी हम लोग यहाँ पहुँचने वाले रास्ते में, और अस्लान भाई हैं साथ, शेरी भाई हैं, ये जिगर भरवा रहे थे हम, बर्फ़ डलवा रही है अभी यहाँ से, ये देखें बर्फ़ डलवाई है। तो अभी यहाँ से कूलर अपना सारा मतलब बंदोबस्त कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ परेशानी ना हो हमें, और सब वहाँ गाड़ी में बैठे हैं हमें। तो गाइस अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं, और रात के 4:30 बज रहे हैं, और अंधेरा हो रहा है बहुत, इधर मुँह पे मारना लाइट, और हम सारे वहाँ खड़े हैं और तैयारी व्यारी कर रहे हैं भाई। यहाँ पे शीशा एक्सपर्ट बैठे हैं, शीशा वीशा बन रहा है, देखें आ जाओ इधर, शीशा एक्सपर्ट ये किधर भाई, जमाली भाई, एक मिल रहा है मामा, लाइट मारो वहाँ। अच्छा सही बताओ, ये आ गया शीशा एक्सपर्ट अहमद भाई। भाई अंधेरा बहुत है, सॉरी, चेन स्मोकर लग रहे हैं सही बाकी में। मुस्तफा भाई कैसा लग रहा है आपको आके, मुझे कैसा लग रहा है? हाँ सही लग रहा है, आप सुबह देखेंगे यहाँ पे माहौल कैसा है। नाम सुना है मुबारक विलेज से, तो भाई हमारा प्रोग्राम कुछ और था, लेकिन हो कुछ और गया, शेरी भाई का फार्म हाउस है, शेरी भाई का फार्म हाउस है। शेरी भाई आप क्या बोलना चाहेंगे? कुछ भी नहीं। आपने जो है सबको बना दिया, आपने बोला फार्म हाउस आ जाओ, तैयार होके आ जाओ, फार्म हाउस जा रहे हैं हम, इतनी खुशी आए, और आप यहाँ में लिया मुबारक विलेज, ये गलत किया आपने। वैसे हम लोग फार्म हाउस के लिए जा रहे थे, लेकिन कुछ मसला हो गया था थोड़ा ना, तो फिर हमने अपना रूट चेंज कर दिया। अच्छा रास्ता बदल लिया, वहाँ गड्ढे बहुत थे ना, गड्ढे बहुत थे वहाँ, और हम आए अपनी एम्बुलेंस में, बहुत दिक्कत हुई है, बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा हमें, और हम लोग डर रहे थे यहाँ पे ना रोड था, और वो आपने देखा रास्ते कैसे ब्लॉक किया, रास्ता ब्लॉक था, फिर हम कच्चे रास्ते से कच्चे में आए, फिर हमें वो इंडियन ड्रामे नहीं आते थे जो पहले, वो सीआईडी और वो सीआईडी वाले याद आ गए कि आगे लूट होगी, ये होगी, तो फिर क्राइम पेट्रोल, आपने सोचा रेप वेप ना हो जाए आपका, क्राइम पेट्रोल, तुम अच्छे हमारे साथ। अब इसमें जो होंगे सुराख, और सुराख करने में तो आप एक्सपर्ट हो, ये लो ये सही है। ये भाई देखो ये जो है स्टैंड का स्प्रिंग मिल गया हमें, स्प्रिंग नहीं स्प्रिंग है, सही है मामा, ये अभी इससे करेंगे ये, आए अल्लाह आए हाय। तो भाई फाइनली शीशा तैयार हो गया है, और जोजी भाई जो है स्मोक बना रहे हैं अभी,
इश्क को कर दे सर के बालों, कुछ भी हो हमने ये दर दे सर ले लिया। मामा से बच कर कहा जाएंगे, घर ले लिया। तो गाइस अभी मतलब सुबह हो गई है और दिन निकल गया थोड़ा थोड़ा, और हम लोग मतलब पूरी रात हमने यहाँ पे पहले खाना खाया, उसके बाद शीशा वीशा पी रहे थे, डांस हुआ तफरी, लेकिन रात में मैं कुछ दिखा नहीं पाया। अभी भी देखे शीशा लगा हुआ है और एक एक करके सारे मतलब मजे ले रहे हैं। हम मछली पकड़ेंगे, मछली पकड़ने का सीन बनाते हैं, बाओ बनाओ वही खाएंगे सुबह। चलो तो श्री भाई को देखो। ओ हाँ मजे। ओ माय गॉड, अल्लाह सॉरी यार, सॉरी ब्रो, सॉरी श्री भाई। तो गाइस अब हम जा रहे हैं पानी में नहाने के लिए सारे भाई, मतलब जो है ना, ओए होए 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 होए, मामा चक्कर आ रहे भाई, बड़ा डर लगता है मुझे समंदर से, टाइट वाली पूरी एक पूरा अंदर जाना मामा, मामा डर सा लग रहा है, कुछ भी नहीं होगा मामा ये। ओए होए 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 होए, डर लग रहा है, इसको डर लग रहा है। आगे नहीं जावे मुरसलीन भाई, ये मोबाइल की आपने सेल लगाई हुई है, जरा रेट तो बताओ, क्या क्या प्राइस है इनके, रेट बताओ जरा। ये आपको मिल जाएगा 30,000 रुपए का। अच्छा, ये आईफोन है। अच्छा, ये इनफिनिक्स का मॉडल है, 2 साल पुराना। अच्छा, ये 3/32 है। अच्छा, मतलब ये लो हल्का वाला है। हल्का वाला है ये इनफिनिक्स है, स्मार्ट टीवी, ये तो थोड़ा पुराना है, ये आपको मिल जाएगा 8,000 रुपये। और ये मोबाइल है, अभी रमजानों में 2 महीने पहले नया मॉडल आया, इनफिनिक्स हॉट 12 प्ले, ये 4/28 है, 128। अच्छा, ये आपको मिल जाएगा 25,000 रुपये का। अच्छा, 25,000 रुपये का। और ये वाला, और इसके तो मैंने बता दी, ये रेड वाले के रहेगा। हाँ, ये रेड वाला आपको मिल जाएगा 5,000 रुपये का, मतलब कोई 2-3,000 की रेंज में आप जो नहीं होगा। ये बिल्कुल मुनासिब रेंज है, इससे ज़्यादा आपको रेंज में नहीं हो सकता। अच्छा, आपको मैंने फाइनल बनाया, और ये लेना है इसके 1,60,000। तो गाइस टाइम हो चुका है 8:10 और हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं घर। पहले थोड़ा खाना वाना खाएंगे, खाना हमारा बिरयानी बच गई थी, और बैठे हुए मुरसलीन और शहबाज, बाकी सारे भी फ्रेश वगैरह हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। तो अभी तो हम पहले यहाँ से जाएंगे होटल पे, खाना वाना खाएंगे, चाय वाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे घर, क्योंकि सबकी हो गई है हालत टाइट। तो गाइस सब आ चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, ये देखो सारे मतलब तैयारी हो गई है। और मुस्तफा भाई कैसा लगा आपको, क्या देख रहे हो? अबे बस कर दो, इधर देख लो यार मामा, मुझे कुछ लग रहा है। क्या कैसा लगा आपको आज, मतलब पिकनिक कैसी हमारी? बस एंजॉय किया, एंजॉय किया बस एंजॉय। और जो तुम्हें खाना खिलाया, जो तुमने ठूसा है वो बिरयानी तो अच्छी थी, फिश थी या फिर चिकन थी बिरयानी अच्छी थी। तुमने रान खाई या सीना वीना खाया? मैंने सीना भी खाया, रान भी खाई। मसाले वाली खाई या सादी फीकी? मसाले वाली। गरम खाई ठंडी खाई? गरम। एक बार खाई, दो बार, तीन बार खाई। अभी दोबारा भी खाओगे? अभी दोबारा भाई, अभी सीन ऐसा है कि बातें तो हो गई हैं, अभी हम जा रहे हैं यहाँ से होटल पे, नाश्ता वाश्ता करेंगे क्योंकि सारे भूखे हैं,
और उसके बाद हम जाएंगे घर और फिर घर जाके हम सो जाएंगे। चलो भाई मिलते हैं फिर। तो गाइस होटल पहुंच चुके हम लोग और सबकी हालत देखो कैसी टाइट हो गई, मतलब सबकी हालत टाइट हो गई है और मतलब जो है ना अब दिल कर रहा है बस जाएं और सो जाएं। क्यों ऐसा ही है ना भाई? तो भाई अब बिल्कुल भी मूड नहीं है ब्लॉग बना देगा ना, तो अब घर जाएंगे बस सोएंगे चाय वाय पी के। ब्लॉग का करते हैं यहाँ पे एंड। और दूसरा मोबाइल भी मेरा चार्ज नहीं है, मोबाइल की बैटरी लो हो गई है, इस वजह से मैं ब्लॉग का कर रहा हूँ यहाँ पे एंड। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।